हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी हो रहे दिन के 3:30 और हमने कर लिया है लंच। और लंच करने के बाद मैं हो गई हूँ रेडी, बेबी को भी रेडी करा दिया, फीड करा दिया, वो सो गई है। और हस्बैंड भी रेडी होके गए हैं, वो नीचे चले गए हैं गाड़ी निकालने के लिए। और बेबी सोई हुई है, वो सोते सोते जाएगी। और आज हम जा रहे हैं किसी के घर। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहें, तो सारा क्लिप आपके साथ शेयर करूंगी। और मैंने पहना हुआ है यहाँ पर कुर्ता, ये कुर्ता बहुत लाइट वेटेड और बहुत कंफर्टेबल है समर के हिसाब से। तो होली पे भी मैंने यही पहना था, आज भी यही पहन लिया है। और नीचे मैंने वियर की है जीन्स और बैलीज पहन लिए हैं। एंड तो यह है हमारा सामान, ज़्यादा कुछ हम नहीं ले जा रहे क्योंकि एक ही दिन के लिए हमें जाना है। सो अब हम तीनों निकल रहे हैं, तो फिर मिलते हैं आपको वहाँ पहुँच के। निकल गए हैं, लगभग आधा घंटा हमको लगेगा वहाँ पहुँचने में। बेबी तो मस्ती से सो रही है, वैसे भी इसको राइड करने में मज़ा आ रहा है, घर में भी इसको घुमाते ही रहना पड़ता है। सो बेबी का मैं पिलो भी लेके आई हूँ, तो ये सोई हुई है अपने पिलो में एकदम मज़े से। और इसको दुपट्टे से ढका दूंगी क्योंकि एसी चला हुआ है, तो इसको लग रही होगी ठंडी। सो थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है उनका घर। तो हम लोग पहुंच गए हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रियाना आ गई थी, हमारी प्रियाना आई। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं याना की मौसी के घर, यानी कि मेरी दीदी के घर। और याना, यह है याना का भाई जिससे आप पहले मिल चुके हो। हेलो गाइस। तो यह है आशुतोष धामी, इसका घर का नाम है सीवी निकनेम। एंड ये है हमारी क्यूटी पाई प्रियाना, प्रियाना जिसको हम प्यार से कहते हैं याना। ये एक्सरसाइज कर रही है। देखो याना सीवी को देख के खुश हो रही है क्योंकि बच्चे बच्चों को ये अच्छा मानते हैं। कैमरा करके देख रही है? हाँ देखती है। जैसे पहले ये और एकदम सी, फिर एकदम सी। सो यहाँ पर सीवी कर रहा है कच्चा बादाम में डांस कर रहा है, तो ये गाना भी गा रहा है, बट मैंने गाना म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाता है। सो इसीलिए कवर हो जाती है, धूप नहीं आती है इसमें, आती नहीं होगी ना। ये हमें ऐसा ऑटोमेटिक मिला है, पहले वहाँ थे ना, वहाँ धूप जाड़ो में नहीं आती थी, जाड़ो में कुर्ती बच जाती थी, वहाँ गर्मी में भी उड़ती है। तो सीवी ने याना को दिया है ये गिफ्ट। याना बताते बताते याना को दे दिया है अपना मिस्टर बाबुली है। मिस्टर बाबुली याना, मिस्टर बाबुली अब उसको देखने लग गई, देखती है ना। और फाइनली हमने बेबी का नाम भी डिसाइड कर लिया है, याना उसका घर का नाम है। और सर्टिफिकेट में प्रियाना रख दिया है। तो सीवी याना के लिए ले गया है अपनी गन, ले गया है उसको। अरे वाह, ऐसी दो है, ऐसी दो है बंदूक। अभी तो बहुत छोटी है सीवी, ये नहीं खेलेगी, पकड़ लेगी अभी थोड़ी है, पकड़ लेके फेंक रही है, फेंक रही है। वो देख रही है कौन है जो मेरे को खिलौने दे रहा है, ऐसा सोच रही हो। थप्पड़ मार रही है, थप्पड़ मार रही है, थप्पड़ तो वो लगाता हूँ डैडी पे, होता है सच्ची कहता हूँ, पेट होता है इससे। गौर ने बताया तू जिसने पाँव तेज से हिलाता है, वो तो अगर जिसने पाँव तेज से हिलाता तू वही तो है, ये तो ही है। कर घर से ही बनाते हुए आ रही हूँ। Thank you.
देने लगे। सो यहाँ पर दीदी बना रही हैं रायता और साथ ही डिनर की प्रेपरेशन भी कर रही हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर बना है डिनर में रोटी, बूंदी का रायता और मटर पनीर। बाकी सब लोगों ने खा लिया है, बस हम दोनों बचे हैं। तो जिनके घर मैं गई हूँ वो मेरी दीदी हैं, यानी कि मेरी बड़ी बुआ की बेटी हैं, और बचपन से ही हमारे बीच काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो बुआ के घर बहुत रही हूँ। दीदी मुझसे काफ़ी बड़ी हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हैं, और मेरे को काफ़ी टाइम हो गया मेरे घर नहीं गए हुए। रानीखेत में यहाँ से जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है, और 2 साल हो गया है, और अभी तो छोटा बेबी है तो जाना पॉसिबल भी नहीं है। तो मन करता है कभी किसी अपने के पास जाने का। तो दीदी रहती हैं अशोक विहार में, जो DDA के गवर्नमेंट फ्लैट होते हैं, निमरी कॉलोनी है वहाँ का नाम। और यहाँ पर बेबी, ये टाइम है सुबह के 3 बजे का, तो 3 बजे उठ के खेल रही है, और सुबह के 8:30 तक उठी थी फिर सोई। तो मुझे भी इसके साथ उठना पड़ता है, क्योंकि फिर जब ये उठ बीच बीच में रोती है तो उसको फीड कराना पड़ता है। इस वीडियो को अब मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हों और इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इस वीडियो को देख पाएंगे। So bye bye and take care, meet you soon in next video, do like, share and subscribe.